हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा यंत्र। मैं मनोज राघव ह्यूमन हेड को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ आपके साथ में। कोशिश करूँगा इसको मोर इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आपकी बनी रहे। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बेटा, ह्यूमन हेड का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पर मैं थोड़ी सी बेसिक डिटेल आपको देना चाहूँगा। आपको कुछ कुछ डिटेल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो डिटेल्स मैं लिख देता हूँ आपको। मैंने अभी तक ब्लड वेसल्स के बारे में नहीं पढ़ाया। ब्लड की जो वेसल्स होती है, रुधिर वाहिकाएं जो होती हैं, उनको हम लोग आर्टरी, वेन या कैपिलरी बोल दिया करते हैं। कैपिलरी बोल दिया करते हैं, आर्टरी, वेन और कैपिलरी। दूसरी चीज बेटा, आर्टरी को रेड यानी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए जिम्मेदार होती है कैरी करने के लिए। वेन जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए जिम्मेदार होती है, और कैपिलरी जो होती है ये बोथ टाइप ऑफ ब्लड यानी ये बोथ टाइप ऑफ ब्लड के लिए जिम्मेदार होती है, कैरी कर सकती है एक साथ। ये बहुत पतली होती है और ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर डील कर लेती है आर्टरी, और इसके बारे में आपने पढ़ा। चलिए ठीक है, आर्टरी को हम देखते हैं। आर्टरी में जो मेन वाली होती है, मेन आर्टरी को हम बोलते हैं डॉर्सल अओर्टा, जो क्या करती है, डॉर्सल अओर्टा का काम होता है हार्ट से बॉडी पार्ट तक किसी भी चीज को ले जाना, ठीक है। उसके बाद में जो एक और होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन बोल दिया करते हैं। इसका काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट पर लाना, ठीक है। उसी तरीके से अब हमारे पास में मेन में जो वेन होती है उसको बोलते हैं वीना कावा। इसका काम क्या होता है, बॉडी पार्ट से हार्ट पर लाना। और उसके बाद में एक और होती है हमारे पास जिसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन आर्टरी। इसका काम होता है, पल्मोनरी आर्टरी का काम होता है हार्ट से लंग्स पर ले जाना। आप चीजों को फिर से समझिए, मैं एक बार यहां पर आप देखेंगे वेन शब्द को, नीले को, वेन जो है होती है नीले कलर की है और मैंने यहां पर लाल से लिखा हुआ है यहां आर्टरी। अब इसके बारे में डिस्कशन थोड़ा सा कर लेते हैं। ब्लड वेसल्स को हमने तीन कैटेगरी में बांटा, तीसरी कैटेगरी का भी जरूरत नहीं है डीप में पढ़ने के लिए, हमारे पास में पूरे मॉड्यूल्स रहेंगे। कौन सी थिकर होती है, कौन सी थिनर होती है, किसमें वाल्व होते हैं, किसमें वाल्व नहीं होते, वो बात की बातें हैं। अभी हमें हार्ट की स्टडी को पढ़ने के लिए, स्टडी में जब मैं ये नाम लूंगा तो आपको ये बेसिक कंटेंट की जरूरत थी। आपको समझ में आया कि आर्टरी का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर करना। वो पाइप्स हमेशा ऑक्सीजन से रिलेटेड ब्लड को लेके जाते हैं। हमारे बॉडी में एक ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है जिसमें कभी भी ऑक्सीजन वाला और बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड एक साथ नहीं मिलता। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक पाइपिंग के द्वारा ट्रेवल करता है और दूसरा ट्रांसपोर्ट जो करता है वो अलग पाइपिंग से करता है। तो जिन पाइपिंग से करता है उनका नाम ऑक्सीजन वाले के लिए आर्टरी है और डीऑक्सीजन वाले के लिए क्या है, वेन्स है। कैपिलरी वहां काम करती है कि जहां पर ये दोनों काम नहीं करते हैं, और ये इतनी एक्सपर्ट होती है कि ये दोनों तरह के ब्लड को होल्ड करने के लिए काबिल होती है। कैपिलरी की वर्किंग बाद में पढ़ लेंगे, थोड़ा थोड़ा हिंट मैंने लंग्स के टाइम पर और आपको वहां पर विलाइज में दे दिया था। चलिए ठीक है, यहां आते हैं फिर से। तो मेन वाली आर्टरी जो हमेशा क्या करेगी, ब्लड को हार्ट टू बॉडी पार्ट ले जाएगी, उसका नाम होगा डॉर्सल अओर्टा, हार्ट से बॉडी पार्ट पर। और मेन वाली जो वेन होगी वीना कावा, वो उल्टा बॉडी पार्ट से हार्ट पे लाएगी, यानी हार्ट से एक ले जाने वाली और एक हार्ट पे लाने वाली। हार्ट से जो लेके जा रही है वो अओर्टा, डॉर्सल अओर्टा मेन वाली आर्टरी, जो हार्ट पे ला रही है उसका नाम वीना कावा, ठीक है। उसके बाद में एक चैनल और होता है, मैं आपको चैनल समझाता हूं, आप चैनल समझिए। देखिए इधर आइए, यहां आप देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है बेटा, लंग्स और हार्ट के बीच में दो पाइप है। यह आपका लंग्स हो गया, ये हमारा हार्ट है,
हार्ट के अंदर चैंबर 1212 बना रखे हैं। आपको यहां पर मैंने नाम कुछ नहीं लिखा है आपके सामने लिखने के लिए, तो एक चैनल जो लंग्स और हार्ट के बीच में है, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, आप लोग देखेंगे तो पल्मोनरी शब्द का यूज करेंगे। पल्मोनरी हिंदी में फुफ्फुस बोलते हैं, पल्मोनरी, और इस वाले के लिए भी पल्मोनरी। अब पल्मोनरी का काम क्या है, एक पल्मोनरी जो पाइप है वो क्या कर रहा है, लंग से हार्ट में कनेक्ट कर रहा है इस तरह से और यहां भेज रहा है। एक क्या कर रहा है, दूसरा काम क्या कर रहा है, दूसरा का काम क्या है हमारे पास में से, यहां से लेकर जाना, वो लेके जा रहा है। अब पल्मोनरी में दो काम आपके हो गए, एक लंग्स टू हार्ट ला रहा है और एक हार्ट टू लंग्स लेके जा रहा है। मैं हार्ट फिर भी लिख देता हूं, यहां स्क्रीन पर लिख देता हूं कि हार्ट नाम की चीज है हमारे पास, ये रही वो सिस्टम, ये रही हार्ट। अब यहां पर ये सिस्टम चल रहा है पल्मोनरी, तो पल्मोनरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रेड से आ रहा है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लू से जा रहा है। यहां पर हम इनके नाम चेंज कर देते हैं, नाम इंटरचेंज हो जाते हैं। यहां पर आर्टरी जो है, ये वाली जो है, ये वेन, मतलब ये कहलाती है पल्मोनरी वेन, और नीचे वाली कहलाती है पल्मोनरी आर्टरी। जबकि आर्टरी का काम मैंने क्या बताया आपको, नोटिस कर लेना, आर्टरी का बताया मैंने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, पर यहां आर्टरी लिखी रेड से है पर इसका काम क्या है, डीऑक्सीजनेटेड को लेके जा रही है। लंग्स और हार्ट के बीच में नाम इंटरचेंज हो जाते हैं। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, यानी ब्लड को पहले कहां आना है, लंग्स से हार्ट पे आना है, हार्ट से बॉडी पार्ट पे जाना है, दूसरे फेज में क्या हो रहा है, बॉडी पार्ट से ब्लड को हार्ट पे आना है और हार्ट से लंग्स पे जाना है, यानी एक राउंड पूरा मारना है ऐसे, यह राउंड चलेगा। राउंड फिर से रिवाइज करते हैं, लंग से स्टार्ट होगा, हार्ट पे आएगा, हार्ट से निकलेगा बॉडी पार्ट पे जाएगा, जाते हुए प्रेशर लेके जा रहा है। अब बॉडी पार्ट पे रुकने, ये जब चीजों को डिलीवर करते हुए उसका प्रेशर खत्म हो जाएगा, अब वो बॉडी पार्ट से चलेगा लंग्स की तरफ, वो हार्ट से गुजरता हुआ आएगा, क्यों, प्रेशर चाहिए। लंग्स से बॉडी पार्ट तक जाते हुए हार्ट में एंटर करके एग्जिट करके जाएगा, और बॉडी पार्ट से लंग्स पर आते हुए फिर से एंटर करके एग्जिट करता हुआ जाएगा ब्लड। यहां पर वो एक ही सर्कल के अंदर दो बार एंट्री एग्जिट मार रहा है, ठीक है, दो बार एंट्री एग्जिट मार रहा है, पहले रेड वाला आया, लेफ्ट वाले हिस्से में आया, लेफ्ट वाले में आके यहां से बाहर निकल गया, ये देखिए यहां से बाहर निकलेगा, यहां से एंट्री हुई, यहां से एंट्री हुई, ये यहां से बाहर निकलेगा, ऊपर के हिस्से में भी चला गया, नीचे के हिस्से में चला गया, रिएक्शन हो गई सेल पे, जो रिएक्शन होनी थी सेलुलर रेस्पिरेशन हो गया। अब सेलुलर रेस्पिरेशन होने के बाद में अब क्या होगा कि ब्लड यहां आप देखेंगे तो ब्लड यहां से दोनों बॉडी पार्ट से आ रहा है, अब इकट्ठा हुआ, हार्ट में एंटर किया, हार्ट से फिर दूसरे हिस्से में चैंबर में एंटर किया, दो चैंबर थे, अभी क्या होगा बाहर निकल गया, तो एंट्री हुई और एग्जिट हुआ, फिर एंट्री हुई और एग्जिट हुआ, तो ये क्या है, चैनल है पूरा, और इस पूरे एक सर्कल में लंग्स टू बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट टू लंग, इसके बीच में दो बार आना जाना हो रहा है। पहले तो समझ लीजिए, इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, दोहरा परिसंचरण। अब यहां पर मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था आपको पाइपों के नाम याद कराना, तो पहला पाइप जो लंग्स से आ रहा है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ रहा है वो कहलाएगा पल्मोनरी वेन। अब यहां से जो लेकर जा रहा है, जो हार्ट से लेकर जा रहा है, ये कहलाएगा डॉर्सल ओर्टा, डॉर्सल ओर्टा, ORTA, ये नॉर्मल वाली आर्टरी है और नीचे वाली भी नॉर्मल वाली आर्टरी है, ठीक है। अब ब्लड को कलेक्ट करने वाली जो होती है, ये नॉर्मल वाली वेन है, ये भी नॉर्मल वाली वेन है, और सारी नॉर्मल वाली वेन है एक मेन वाली वेन को दे देती है जिसका नाम होता है वेना कावा। वीडियो को बार बार देखना, बार बार देखना, बार बार समझना। अब आपको सारी पाइप्स के नाम याद हो चुके हैं, नहीं याद हुए हैं तो फिर से देखना। इसके अंदर में मैंने आपको ब्लड वेसल्स के बारे में कौन सी क्या क्या काम करती है वो समझाया। क्या समझाया, लंग से निकलेगी पल्मोनरी वेन में आएगी, पल्मोनरी वेन हार्ट के हिस्से में छोड़ देगी ऊपर वाले हिस्से में, और ऊपर वाले हिस्से को हम बोलते हैं आर्ट्रियम,
लेफ्ट आट्रियम। वैसे मैं बताने के मूड में नहीं था, पर मैंने कहा चलो आप बता देते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर आर्ट्रियम, वो भी कौन सा वाला, लेफ्ट वाला। ये वेंट्रिकल है, ये कौन सा है, लेफ्ट का हिस्सा है, और ये भी कौन सा है, लेफ्ट का हिस्सा है। अब बात करते हैं यहां पर ये क्या है, राइट का हिस्सा है, राइट में आर्ट्रियम, और ये क्या है, राइट में वेंट्रिकल। एंट्री हमेशा आर्ट्रियम में होती है और एग्जिट हमेशा वेंट्रिकल से होती है। तो आपने देखा इस तरफ भी एंट्री आर्ट्रियम में हो रही है चाहे वो राइट का है, इधर भी एंट्री हो रही है तो आर्ट्रियम में हो रही है, यानी चाहे वो लेफ्ट का है। जब एग्जिट हो रहा है तो कहां से हो रहा है, वेंट्रिकल से हो रहा है, और यहां पर भी अगर आप एग्जिट देखेंगे तो किससे हो रहा है, वेंट्रिकल से हो रहा है। एंट्री के लिए आर्ट्रियम जिम्मेदार है और एग्जिट के लिए वेंट्रिकल जिम्मेदार है। वेंट्रिकल निचले हिस्सों को बोला करते हैं, आर्ट्रियम ऊपरे हिस्सों को बोला करते हैं। मेरे बनाने में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, जब हम पूरे एक स्केच लेवल डायग्राम पर पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। बेटा लर्न करना ना भूले, पाइपिंग सिस्टम को ना भूले, अच्छा रहेगा, मुझे बॉडी पार्ट को और हार्ट को समझाने में आसानी होगी। उम्मीद करता हूं कि मेरे जितने भी लर्नर्स हैं, जितनी भी फैमिली है, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो पहले इसको अच्छे से दिमाग में डाल लेंगे पाइपिंग सिस्टम को, फिर हम हार्ट पर आएंगे। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। मैं जरूर मिलूंगा, जल्दी मिलूंगा आपके साथ में नेक्स्ट वीडियोस के साथ।